हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो है उसके जो एमसीक्यू नॉर्मली होते हैं बोर्ड के एग्जाम में, JEE हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, इन द शॉर्ट ठीक है एमसीक्यू लेवल पे हम आगे भी वर्क कर चुके हैं। तो अभी जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। टोटल मैंने आपको 20 एमसीक्यू भेजे होंगे, तो आज मैं 10 एमसीक्यू आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, नॉर्मली थियोरी में मैंने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन एमसीक्यू वाले कैसे कैसे चेंजेस करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस, कैन वी स्टोर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 into aluminium vessel। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि एमसीक्यू स्टार्ट कहाँ से करना है। ओके, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम में जो वेसल है दैट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, सो एल्यूमिनियम किस फॉर्म में होगा, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, एंड सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ZnSO4, तो Zn यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, 2+ SO4 minus 2. Clear? Now we have potential also, but keep it in mind, both potential are oxidation potential and our method is reduction potential. So first of all, convert into reduction potential. So E0 Al3+Al, सबको पता होना चाहिए कि कौन सा potential दिया है और वो पता चलेगा oxidation number से। तो जीरो से प्लस ले दिया है टेक्स्ट बुक में, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना है प्लस 3 से 0, तो वैल्यू पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, ये आपको पता है। और जिंक जो है इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, ओके, -0.76 वाट। क्लियर? अब उसमें आप देखो Zn जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल इसकी कंपेयर में हाई है, मतलब ये जो पॉजिटिव आयन है Zn2+ वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा फ्रॉम एल्युमिनियम। तो इसका मीनिंग हुआ Zn2+ अंडरगोस रिडक्शन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, और उसको देगा कौन, एल्युमिनियम। सो एल्युमिनियम कन्वर्ट इनटू Al3+ एंड इलेक्ट्रॉन, बाद में इसको हम बैलेंस कर देंगे लाइक दिस। लेकिन बेसिकली इसमें रेडॉक्स हुआ, और जब रेडॉक्स होता है तो सॉल्यूशन का जो टाइप होता है दैट विल चेंज, सो दिस सॉल्यूशन बिकम्स सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट एंड इट इज नॉट फेवरेबल। क्लियर? हमने सॉल्यूशन को जैसा रखा था, जिस बेस पे रखा था वैसा ही होना चाहिए, तो यहाँ पे जो रेडॉक्स हुआ वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। So, आपका जो आंसर है वो यस में नहीं आएगा, नो में आएगा। क्लियर? हाँ, उल्टा क्वेश्चन है तो यस, उल्टा इन द सेंस यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ हो और जिंक सॉलिड हो, तो एल्यूमिनियम जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, तो वो गेन नहीं कर सकता, तो रिडक्स होगा ही नहीं, सो वी कैन स्टॉप। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सबको पता होना चाहिए। ओके, नाउ सेकंड, सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव है Mg2+ और नेगेटिव है Cl-. अब इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यू हैव टू राइट डाउन रेडॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड नॉन्स इक्वेशन, हम दोनों लिख लेंगे। सबसे पहले रेडॉक्स डायरेक्ट, तो रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन पहले तो किसका होगा, तो रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट साइड होता है दैट पार्ट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, ये क्लियर होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन को लिखेंगे कैसे, 0 से +2 बनाओगे या +2 से 0, ऑक्सीडेशन 0 से +2, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, Mg कन्वर्ट इनटू Mg2+। क्लियर? नाउ दिस पोर्शन अंडरगोस रिडक्शन, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तब -1, ये -1 है और ये 0 है, सो -1 से 0 लिखोगे या 0 से -1 लिखोगे, सिंपली 0 से -1 टू डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर,
it means you have to mention here Cl2 and here 2Cl-. Mg, that is in solid form, Cl2, that is gas, and these two are ions. So this is our correct redox reaction. MCQ में कभी कभी redox भी आ सकता है, तो ये भी आपका clear होना चाहिए, okay? Now next equation, E is equal to inert cell minus 0.059 by A log. log लिखने के बाद मैंने बताया था थोड़ा wait करना है, okay? तो ion को consider करना है, so both ion as a product, so you have to mention with coefficient. Mg2 plus का coefficient 1 है, जिसका power 1 होगा. Second bracket में Cl minus है, as a ion. और इसका coefficient 2 है, तो power में 2 जाएगा. दोनों ऊपर, because both are product. Now reactant. Mg solid को consider नहीं करना है. Cl2 gaseous form में है, तो मैंने बताया था, Cl2 में क्या लिखना होता है? Pressure लिखना होता है. But here, pressure suppose 180 है, तो यहाँ पे 180 की जरूरत नहीं है. So now see the option. So correct option is Bombay. B for Bombay. तो ये आपका क्लियर होना चाहिए. Okay? तो दो क्वेश्चन आपके हो गए. Next जो है वो पढ़ो थोड़ा. Next important question है. एक ही क्वेश्चन अभी दिया है. इसमें से हम और दो क्वेश्चन बना सकते हैं. So see question number 3. पहले तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या. Okay? Comparison है between standard and non-standard. तो सबसे पहले देखो, write down representation number 3. Write down representation Fe2+. Concentration of Fe2+ not given. Suppose X. Then salt bridge. Then Cu2+ having concentration 0.01. MCU. Clear? And here E cell is given. E cell. E cell, that is 0.70 equal. And you have to find out value of X. Value of X either greater than this, less than this, or equal. इस बेस पे पूरा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्या करना है? तो E cell आपको दिया है. पहले तो मुझे बताओ, ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड? ये नॉन स्टैंडर्ड है. क्लियर? और ये जो पोटेंशियल दिया है, दैट इज नॉन स्टैंडर्ड का दिया है. तो सबसे पहले हमें ई नॉट सेल फाइंड करना है. ई नॉट सेल सी माइनस है, पता है ना फॉर्मूला? यस. तो यहाँ पे कॉपर और एफई दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास होना चाहिए. इन लोगों ने फिर से एक बार दोनों का ऑक्सीडेशन दिया है. तो ऐसा कैथोड कौन है? कॉपर. तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन है उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दो. माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 0.34. और एफई का भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन दिया है तो उसका भी उल्टा कर दो, माइनस 0.44. तो स्टैंडर्ड की वैल्यू भी पॉजिटिव में 78 आएगी. तो इसका मीनिंग हुआ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो इसका प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं सिंपल. E cell is equal to inert cell minus 0.059 by A log product of one reactant. तो product में कौन आएगा? Fe2+. Fe2+ यहाँ पे आएगा coefficient 1 और नीचे Cu2+ according to redox. अब मुझे बताओ ये दोनों सेम आ गए. E cell आपको दिया है, inert cell आपने find कर दिया. अब ये दोनों का आंसर सेम कब हो सकता है? इफ दिस पोर्शन बिकम्स जीरो. ये जीरो होना चाहिए बस. और ये जीरो कब होगा? लॉग वन. और लॉग वन कब होगा? न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. तो ये जो Cu2+ है इसका कंसेंट्रेशन आपको दिया है 0.01. तो ये वैल्यू भी क्या होगी? 0.01. देन एंड देन बोथ विल कैंसिल. log 1, log 1 0 और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम. सो x इज इक्वल टू 0.01. ये आपका आंसर होगा. क्लियर? आंसर सी. अब अकॉर्डिंग टू दिस हम दो क्वेश्चन और बना सकते हैं. देखो कैसे. चलिए तो आपने नोट डाउन कर लिया. अब ये लोग क्या करेंगे एग्जाम में,
ये जो नॉन स्टैंडर्ड है इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल 0.88, ठीक है, और ये तो 0.78 ही होगा। सो इन दैट केस कंडीशन लाइक दिस, ए सेल की वैल्यू ई नॉट सेल से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब मुझे बताओ ई सेल की वैल्यू ई नॉट सेल से ज्यादा कब होती है, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन इज मोर कंपेयर टू एनोडिक सॉल्यूशन देन सेल पोटेंशियल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सेल इज मोर देन सेल पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड सेल। तो यहां पर उल्टा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, ई सेल की वैल्यू ज्यादा कब होगी, तो ई वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या तो ई वैल्यू कम होनी चाहिए, आपको ए फाइंड करना है। सो इन दैट केस आंसर बिकम्स 0.01, लेस देन 0.01, क्लियर, ए क्लियर होना चाहिए। दूसरा चेंजेस कर सकते हैं, यहां पे कर देंगे 68 किया, मतलब ई सेल लेस देन ई नॉट सेल, ओके okay? और सेल पोटेंशियल कम क्यों हो गया, कैथोड छोटा हो गया, कैथोड छोटा हो गया या तो एनोड बड़ा हो गया, तो इन दैट केस आंसर बिकम्स 0.01। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन से हम और दो क्वेश्चन बना सकते हैं, ओके okay? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। नाउ नंबर 4, सेकंड लॉ फैराडे सिंपल है, मेटल है कैल्शियम सोडियम और एजी, उसका मोल प्रोपोर्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन देन रिडक्शन, कैल्शियम किस फॉर्म में होगा, सेल में Ca2+ गेन 2 मोल इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू कैल्शियम सॉलिड, Na किस फॉर्म में होगा, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन Na सॉलिड, Ag किस फॉर्म में होगा, Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड। और सेकंड लॉ में आपको पता होना चाहिए तीनों सेल को सीरीज में कनेक्ट करता है और तीनों के बीच में बैटरी एक ही होती है, और एक ही बैटरी जब होती है तो तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो फाइनली मोल प्रोपोर्शन बिटवीन कैल्शियम सॉरी सोडियम एंड सिल्वर 1:2:2, कैल्शियम की कंपेयर में इन दोनों के मोल डबल मिलेंगे, आपका आंसर आएगा 1:2:2, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन ईसीएस, अब ईसीएस क्या है, वैसे एक बार क्वेश्चन, और ईसीएस के बेस पर मैंने आगे भी बताया था, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर से एक बार तीन मेटल है एबीसी और ईसीएस वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ईसीएस बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले यहाँ पे रिडक्शन होता है और यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्शन और रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 0.5, 3 और 1.2, तो सबसे ज्यादा वैल्यू है 3.0 वाट, उसके बाद है 1.2 वाट, और बाद में है 0.5 वाट, 3 वैल्यू किसकी है, दैट इज फॉर बी, ओके चेक करना है, ऐसे लिख नहीं देना है, ऑर्डर के हिसाब से लिखना है, तो 3 वैल्यू किसकी है, बी की है, तो बी का फॉर्मूला होगा B+ गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू बी सॉलिड, 1.2 सी का है, तो C+ प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सी सॉलिड और लास्ट में A+, ओके। फिर मैंने बताया था ए रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो प्रोडक्ट होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट, फिर मैंने बताया था ए बी प्लस को क्या बोलते हैं, SO, SO मींस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ए सॉलिड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और इसको बोलते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ये तीनों जो मेटल है, ये तीनों मेटल यहाँ पे, ये तो मेटल आयन है, तो मेटल को अरेंज करना है, मेटल आयन को नहीं, तो मेटल को जब आप अरेंज करोगे वो रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे अरेंजमेंट होगी, और मेटल आयन को आप अरेंज करोगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बेस पे होगी, क्लियर। तो सबसे पहले हमें मेटल को अरेंज करना है बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है,
रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे हम किसको अरेंज करेंगे, मेटल को करेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको अरेंज करना है तो मेटल के बेस पे नहीं होगा, वो मेटल आयन के बेस पे होगा। तो मेटल के बेस पर अरेंजमेंट कैसे होगी, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग में ए आएगा, उसके बाद सी और उसके बाद डी आएगा, क्लियर। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो सबसे पहले आएगा बी प्लस, इसके बाद आएगा सी प्लस, लास्ट में आएगा प्लस, क्लियर। ये दोनों का जो ऑर्डर है दैट इज ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ईसीएस का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ये मेटल का है, ऐसा सेम कांसेप्ट नॉन मेटल का भी हो सकता है। नॉन मेटल में फ्लोरीन है तो यहाँ पे एफ टू आएगा और उसका आयन यहाँ पे आता है। तो नॉन मेटल में जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होती है और उसका जो आयन है उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यू हैव टू पास 1 एम्पीयर करंट फॉर 10 मिनट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ PgNO3। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ Ag डिपॉजिटेड, मैंने एक आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताई है, WV = MIT/NF, ओके। एटॉमिक मास ऑफ Ag 108, I means current, current that is 1, and time 10 × 60, और Ag है मतलब 1, और Faraday's constant 96500, चेक करना आंसर 0.6715 ग्राम निकलेगा, ओके। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं, ओके। तो ये मेथड थोड़ी इजी रहेगी कंपेयर टू रिएक्शन। चलो लिखते जाओ, अच्छे क्वेश्चन है सर। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन जो है उसमें आप देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन है दैट इज बेस्ड ऑन HE, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बट हियर सॉल्यूशन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का है और आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है हाइड्रोजन का। सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन लिखना है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कैसे लिखोगे, 1/2H2 gives H+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद लास्ट इक्वेशन E0 -E0.059/log(H+NPH2)1/2। सबसे पहले इतना लिख दो, E0 की वैल्यू तो 0 होगी, -0.059 n = 1, बाद में log, यस, प्रेशर तो 1 है तो 1 का रूट तो 1 ही होगा। नाउ क्वेश्चन अबाउट H+, सर 0.05, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वी रिक्वायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ नॉट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तब बोलोगे सर ये दोनों सेम ही होगा ना, ऐसा किसने बोला, इन्हें से गलती करते आते हैं, ठीक है। H2SO4 का जब सॉल्यूशन बनाओगे तो H2SO4 undergoes dissociation like this and acid gives H+, but see the proportion 1:2, HCl में 1:1 होगा, हाँ, तो HCl की जो पोलैरिटी होगी वही पोलैरिटी H+ की होगी, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड दिया है और सल्फ्यूरिक एसिड की जो पोलैरिटी है दैट इज 0.05, तो H+ की पोलैरिटी 0.05 से डबल होगी, डबल मींस 0.1 मींस -10^-1 एंड दिस इज H+, ओके। तो यहां पे आपको 10^-1 लिखना है एंड अकॉर्डिंग टू पावर रूल -1 को आगे ले लो प्लस हो जाएगा प्लस 0.059 और लॉग 10 1 2 1, आंसर वही रहेगा। तो आपका जो आंसर आएगा इसमें डी आएगा, क्योंकि आपको पोटेंशियल पूछा है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पूछा है मान लो तो ये उल्टा कर देना, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन हो जाएगा,
ए प्लस नीचे आएगा, पीएच ऊपर आएगा, तो ए सेम आंसर आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। ओके, सम टाइम प्रेशर इज अदर देन 1 atm, सपोज 4 atm, तो यहां पे 4 लिखना पड़ेगा, तो 4 का रूट आएगा दैट इज 2, तो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 8 जो है उसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ है, उसमें भी दो केस है, केस 1 एंड केस 2, मतलब मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे वी हैव पास 4 एम्पीयर करंट फॉर 2 मिनट्स, सो वी हैव m ग्राम ऑफ सिल्वर, मतलब मंडे आपको m ग्राम सिल्वर मिला। नाउ नेक्स्ट डे वी पास 6 एम्पीयर करंट फॉर 40 सेकंड, सो हाउ मच अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन केस 2। सो वी नो w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, ओके, देयरफॉर w1 अपॉन w2 इज इक्वल टू q1 अपॉन q2। Now W1 upon W2 is equal to Q1 means I1 T1 and here I2 T2. So W1 that is case 1 and यहाँ पे जो value है वो MK form में है। तो W2 का जो answer हमें find करना है वो भी MK form में ही आएगा। Okay? Now in case 1 current that is 4 time 2 milli, so 2 into 60. Case 2 6 ampere and time 40 second, clear? So 4 tens are 6 tens are 10, therefore W2 is equal to m by 2, so this is first law of Faraday, m by 2, clear? So second aisa maan sakte ki jo electricity thi wo half ho gayi hai, isiliye product ki jo quantity hai wo bhi half ho gayi, clear? Okay, now question number 9. In question number 9, mass of copper is given. Chalo likh do sab. Mass of copper is given. Yes, 2 gram copper obtained as a PBT by passing 0.5 ampere current. So, you have to find out time. Chalo is baar mein time find karna hai. To aage jo maine formula batai thi, वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। W is equal to MIT upon NL, T फाइंड करना है, सो W into NF upon IT, सो मास ऑफ कॉपर इज गिवन दैट इज 2, N2 फैराडेस कांस्टेंट 96500, करंट 0.5 and time, sorry, WNF, M into I, yes. So M कितना copper का 63.5 और current आपको लेना है 0.5. इसको आप solve कर देना 12157.48 second. ऐसा कोई answer आएगा. Okay, check कर लेना. देख लेते हैं. क्या आंसर आता है चेक कर लेते हैं, कंफर्म हो जाए। 4 into 96500, ओके, डिवाइड बाय 63.5, अगेन डिवाइड 0.5, सो 12157, यस आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल वर्क। आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। In case of electrochemical cell, electrical work takes place having this formula, W electrical is equal to minus NF E naught cell. Okay? अब Daniell cell का ही question है, क्योंकि E naught cell आपको दे दिया है, तो मान सकते हैं कि Daniell cell is 1.10. Faraday's constant is fixed 96500. अब बोलते से Daniell में तो N is equal to आता है, सही बात है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन में स्टोर कर सकते हैं। But here, because of some resistance, जो फैराडे बाहर निकल के आ रहा है वो 2 फैराडे नहीं आ रहा है, वो 0.5 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 0.5 लेना है, not 2 फैराडे। So आपका जो आंसर है, अब एक चीज देखो आप, सारे ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है ना, तो आपकी जो सोच है, आपका जो कॉन्सेप्ट वो यूनिट बेस पे आएगा, तो सबको पता होना चाहिए कूलम इनटू वॉल्ट दैट इज जूल, तो जूल वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
इज इट क्लियर? तो मेन चीज ये है, तो आज के लेक्चर में मैंने 10 एमसीक्यू आपको करवा दिए हैं, और जो 10 एमसीक्यू है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली मैंने आगे भी आपको बताया है, बहुत सारे एमसीक्यू हमको टेस्ट के बेस पे डीकेडी डीकेडी के फॉर्म में आपको मिल ही रहे हैं, फिर भी कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, वो आपको हेल्पफुल होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और 10 एमसीक्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।